शब्दों को हम ले सकते हैं, किन शब्दों को हमको नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी विद्वानों में चर्चा होनी चाहिए। बस अभी समय कम है, इसलिए मैं अपनी बातों पे इतना रखूंगा कि जीन वचन युक्तम ही होकर ही पाली को सीखना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद मौर्य सर। और अब मैं आहूत करना चाहूंगा आयुष्मान अरविंद भंडारे जी को। अरविंद भंडारे जी, सब उपस्थित धम्मा बांधवों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो आज आपने मुझे पाली युवा विदु सम्मान 2020 के लिए चुना गया, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर जी का फोन आया था एक 5-6 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि मेरी आवाज आपको आ रही है सबको? हाँ ये तो ही सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ पाली में काम, पाली के लिए काम करने वाले कुछ युवाओं को और जो सीनियर है, जैसे कि डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर जी को जो सम्मान दिया गया, ऐसे आपको भी एक सम्मान देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, उनको बोला कि आप मेरा चयन क्यों कर रहे हैं इस अवार्ड के लिए, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में, पाली के साहित्य के क्षेत्र में अभी तक मेरा उतना योगदान नहीं है मेरी नज़र में, तो आप किस लिए मुझे ये अवार्ड देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पिछले 10-12 साल से पाली प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसकी ओर से पाली भाषा के वर्ग शुरू है, आपकी किताबें पब्लिश है, आपके मैगजीन्स है, इस योगदान के लिए हम आपको ये अवार्ड देना चाहते हैं। और मैंने उसको स्वीकार कर लिया, उस अवार्ड को। इसलिए मैं सभी आयोजकों को पाली पक्तुसव 2020 और भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरा जो सम्मान है, ये मैं उन युवाओं के साथ जो पाली प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं आज और सीख रहे हैं पाली को, और पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी सदस्य और सभासदों के साथ ये मैं साझा करना चाहूँगा। अभी मैं आपको थोड़ी पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, आप बहुत से लोग यहाँ पे जो उपस्थित है वो जानते हैं, फिर भी मैं एक बार, मैं पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कार्य कर रही है उसके बारे में मैं 5 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। पाली भाषा का प्रचार और प्रसार जन सामान्य में होना चाहिए, इसलिए पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई की स्थापना की गई थी, और उसी दिशा में पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई आज कार्य कर रही है। पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के माध्यम से आज बदलापुर और पनवेल में पाली के वर्ग शुरू है, और ऑनलाइन पाली के वर्ग भी अभी हमने इस लॉकडाउन के पीरियड से शुरू कर दिए, जो जूम ऐप पे चलते हैं एवरी संडे सुबह रहते हैं वो 10 से 1 बजे तक या फिर 10 से 12 बजे तक। उसके बाद पाली भाषा की जानकारी, आज सारा जमाना जो है वो ऑनलाइन चलता है, तो पाली भाषा की जानकारी सबको मिले, कुछ किताबों का लाभ हो, और संस्था की भी जो इंफॉर्मेशन है हमारी इंस्टीट्यूट की वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए हमने एक वेबसाइट का पिछले साल अनावरण किया था, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट .com करके। उस पे भी आपको पाली की बहुत सी जानकारी मिलती है वहाँ पे, उसमें हमने डिक्शनरीज रखी है, पाली ग्रामर ट्यूटोरियल रखे हैं, और यूट्यूब की कुछ लिंक भी रखे हैं, जो हम संडे को जो हमारे लेक्चर्स होते हैं तो उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, और वो आप वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं उस लेक्चर्स को। उसके बाद पाली भाषा और बुद्ध धम्म के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसी सब्जेक्ट को डेडिकेटेड एक बुद्ध शासन त्रैमासिक, बुद्ध शासन क्वार्टरली करके हम मैगजीन भी चलाते हैं, जिसके महाराष्ट्र भर में उसके सब्सक्राइबर है, बहुत से सब्सक्राइबर है। अभी लॉकडाउन में बंद था, तो अक्टूबर दिसंबर का, अभी ये अक्टूबर में उसका ये आ रहा है, इशू आ रहा है उसका। उसके बाद संस्था ने अभी तक 4 किताबें पब्लिश की है, डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी की एक महाबोधि ध्रुम विजयम करके, जो महाबोधि वृक्ष के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली एक बहुत अच्छी संस्कृत और हिंदी ऐसी एक किताब हमने पब्लिश की है, और ये विजयादशमी को डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी का ही
पाली हिंदी का जो पाली हिंदी वाक्यवली है उसकी पाली मराठी वाक्यवली हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। उसका काम पूरा हो चुका है और उसका अनुवाद मैंने ही किया है। उसके बाद हमने 2011 में एक पाली अक्षरमाला करके प्रकाशित की थी किताब, मतलब जो पाली में मराठी में जो या अंग्रेजी में टेबल बुक रहती है उस तरीके से हमने एक 2011 में बनाया था पाली अक्षरमाला। तो उसका एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हम यही विजयादशमी को प्रकाशित कर रहे हैं और उसका नाम है पाली भाषा अक्षरमाला। उसके बाद संस्था की ओर से हम लोग डिस्टेंस एरिया में, जैसे कि अमित मेधावी सर के एरिया में हम लोगों ने एक कार्यशाला ली थी, ऑनलाइन कुछ कार्यशालाएं होती है। अभी एक 3 दिन का हमने ब्राह्मी लिपि वर्कशॉप रखा था। उसके बाद हम लोग पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से धम्म अध्ययन चारिका, मतलब हम लोग प्राचीन एंशंट बुद्धिस्ट प्लेसेस पे ये स्टडी टूर भी हम आयोजन करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को अपना इतिहास, अपनी संस्कृति पता चले और उधर जाके वो उसका अनुभव कर सके, उसको सीख सके। इसलिए संस्था की ओर से हम लोगों ने आज तक बहुत से लेक्चर सीरीज और कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर सर भी थे और इस 2019 में जो लेक्चर सीरीज हुई थी उसमें गौतम मोरे सर ने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी भी आने वाले थे लेकिन वो बहुत दूर थे तभी उत्तराखंड में, तो वो नहीं आ पाए थे। और ऐसी संस्था की हमारी ये जो है ये थोड़ा सा काम चल रहा है पाली के बारे में। और संस्था ने अभी इसी साल 2019 में अनुग्रही जीवन की मराठी बुक्स 6000 किताबों को हम लोगों ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसका प्रकाशन संस्था से ही हुआ था और कुछ उसी किताब की अंग्रेजी वर्जन जो ब्रदर टीवाईली है सिंगापुर के, उनकी जो किताब है वो हम लोग महाराष्ट्र में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आगे भी हम लोग बहुत से उपक्रम चलाने वाले हैं उसमें ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग किताबें भी हम लोग उसमें पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में अलग अलग भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई की, और ये सम्मान के लिए मैं फिर से सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी चारों सुधीर जनों के द्वारा जो पाली के संवर्धन के लिए प्रयास किया जा रहा है उसके लिए एक बार हम पुनः आप सभी के सामने नतमस्तक होते हैं, आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। रमेश प्रसाद सर, उनको फोन करना पड़ेगा, अभी शायद लेफ्ट हो गए हैं किसी काम से। जस्ट नहीं सर, हैं जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, हाँ सर, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं सर, आइए।